हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिका जैन ऑन योर चैनल 1% डेली। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी मीडिया एप्टीट्यूड सीरीज का टॉपिक 6 करेंगे, दैट इज मैगजीन्स। इससे पहले वाले टॉपिक में हम टॉपिक 5 में न्यूज़पेपर्स अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो सबसे पहले देखते हैं मैगजीन्स होती क्या है। अ टाइप ऑफ लार्ज थिन बुक दैट यू कैन बाय एवरी वीक और मंथ कंटेनिंग आर्टिकल्स फोटोग्राफ्स एसेट्रा often on a particular topic। एक लार्ज बुक, पतली सी और अच्छी खासी बड़ी बुक ऐसी जिसको हम हर महीने या हर हफ्ते खरीदते हैं, जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होती है, एंटरटेनमेंट पर्पज से ही बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैगजीन्स। अब हम देखते हैं कि मैगजीन्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं। सबसे पहले आता है कवर स्टोरी। कवर स्टोरी क्या होता है कि इसमें स्टनिंग हेडलाइंस, मतलब बहुत ऐसी तड़कती फड़कती हेडलाइंस दी जाती है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। फिर आता है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स मैंने आपको पिछली जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक 5 में भी समझाया था कि एडिटोरियल एक तरह से ओपिनियन सेक्शन होता है जिसमें जो एडिटर्स होते हैं वो अपने ओपिनियन रखते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे। नेक्स्ट आता है फीचर्स। फीचर्स में हमारे जो ह्यूमन इंटरेस्ट पे स्टोरीज होती है वो लिखी जाती है। ये इमेजिनरी होती है, जरूरी नहीं है कि ये असली हो या फिर रियल पे स्टोरीज हो। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल होते हैं नॉन फिक्शन राइटिंग। नॉन फिक्शन राइटिंग का मतलब होता है असली रियल लाइफ पे जो टॉपिक्स हो रहे हैं उन पे लिखना। एक टॉपिक इसी साल आया था, आई थिंक इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के एंट्रेंस में, कि फिक्शन स्टोरीज कौन सी होती है। तो फिक्शन स्टोरीज होती है इमेजिनरी स्टोरीज, एंड आई थिंक दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की में भी आया था कि फिक्शन स्टोरीज होती है इमेजिनरी स्टोरीज एंड नॉन फिक्शन होती है रियल बेस्ड राइटिंग। तो आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि आपको फिक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि फिक्शन होता है इमेजिनरी स्टोरीज और नॉन फिक्शन नॉन इमेजिनरी स्टोरीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैगजीन। दो तरह की मैगजीन होती है, एक होती है जनरल इंटरेस्ट मैगजीन और एक होती है स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन। नाम से ही क्लियर है, जनरल इंटरेस्ट मैगजीन का मतलब होता है इनकी वाइड ऑडियंस होती है। इनका ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे है, ये बहुत सारे टॉपिक पे होती है और इसकी एक वाइड ऑडियंस होती है, कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती। क्या क्या टॉपिक्स कवर करती है, लाइक न्यूज, फैशन, वुमेन एसेट्रा। स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन क्या है कि किसी स्पेशल टॉपिक पे, पॉलिटिक्स पे है, स्पोर्ट्स पे है, एंटरटेनमेंट पे है, तो जो लोग पॉलिटिक्स से कनेक्ट है वो ही सिर्फ इसकी ऑडियंस होगी, जो सिर्फ स्पोर्ट्स से कनेक्ट है वो ही इसकी ऑडियंस होगी, इसलिए क्या होती है, स्पेसिफिक ऑडियंस। अब लास्ट टॉपिक जो मैगजीन में आता है वो होता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब एक सडन चेंज कैसे आया मैगजीन्स में इंडिया में। तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू लाता है स्टारडस्ट। स्टारडस्ट ने क्या करा, इंट्रोड्यूस सेलिब्रिटी जर्नलिज्म टू इंडिया। इसने सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, मतलब जो मैगजीन होती है जो बॉलीवुड के ऊपर आती है कि आज इस एक्टर ने क्या करा, इस एक्ट्रेस ने क्या करा, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो आजकल लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, तो वो ब्रेक थ्रू सबसे पहले लाया गया था स्टारडस्ट के थ्रू। सेकेंड ब्रेक थ्रू आता है इंडिया टूडे के थ्रू। इंडिया टूडे क्या कहता, कवर सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स विद स्टाइल। इसने स्टार्ट किया कि जो सोशली जो इश्यूज हो रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, उनको एक स्टाइल के साथ, एक इनोवेटिव स्टाइल से कवर किया जाए। तो ये दो ब्रेक थ्रू थे जो मैगजीन्स के लिए लाए गए थे इंडिया में। फर्स्ट इज फ्रॉम स्टारडस्ट, सेकंड इज फ्रॉम इंडिया टुडे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैगजीन का टॉपिक थोड़ा छोटा था एंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट मैं चाहती हूँ कि मैं सारे टॉपिक कवर करूँ, जैसे क्योंकि एक छोटा सा अगर क्वेश्चन भी आता है, लाइक फीचर राइटिंग क्या होती है, नॉन फीचर राइटिंग क्या होती है, या फिर ये पूछ ले कि मैगजीन का फर्स्ट ब्रेक थ्रू कौन लाया था, तो आपको पता हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एंट्रेंस में एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। तो हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये 4 या 5 मिनट्स की वीडियो बनेगी, एंड इससे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मीडिया एप्टीट्यूड 100% कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।